नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा सेट्स का दूसरे लेक्चर में। तो पिछला लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि सेट क्या चीज़ है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि हम दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि सेट को हम कितनी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि सेट कितने तरीके का होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये कितने तरीके का होता है। तो हमारा जो पहला कैटेगरी है, ये तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। इसमें जो पहला कैटेगरी है इसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। इसका जो दूसरी कैटेगरी है उसको हम बोलेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। और इसका जो तीसरी कैटेगरी है वो है इक्वल सेट्स। ये थोड़ा याद रखने वाला बात है कि जो तीसरी कैटेगरी है इक्वल सेट, ये एक्चुअली सेट का कोई ऐसा खास कैटेगरी नहीं है, लेकिन हम दो सेट्स को आपस में नापने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम ये कैटेगोराइजेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो एम्प्टी सेट नाम सुन के ही साफ सुथरा पता चल रहा है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं होगा उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। और एक चीज याद रखने वाली है कि एम्प्टी सेट को नल सेट और वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों सेम है। अच्छा, आप एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसा देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। मैं सेट बिल्डर फॉर्म यूज करता हूं, मैं बोलता हूं सपोज एक्स ऐसा एक सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इवन। अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू टू होता है तो इसका मतलब एक्स या तो प्लस रूट टू होगा या माइनस रूट टू होगा, और दोनों में से एक भी इवन नहीं है। तो एक्स स्क्वायर टू है और एक्स इवन है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि ये एक नल सेट होगा। ऐसे भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी में हमारा आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। तो वंस अगेन नाम से ही पता चलता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होता है। एक सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है, यानी कि काउंटेबल नंबर, जो एलिमेंट्स जो रहता है वो काउंटेबल होता है, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं कि कितना एलिमेंट्स है, इस टाइप के सेट्स को हम कहेंगे फाइनाइट सेट्स। और जिसमें हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, मतलब हमको पता नहीं कि कितना एलिमेंट से यह सेट बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट्स। तो हम डेफिनेशन फटाक से लिख डालते हैं। द सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, या फिर अगर डेफिनेट नहीं है तो इसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। तो इसमें एक बहुत अच्छा नोट करने वाली जो बात है कि एक सेट जो एम्प्टी होता है, एक सेट जो एम्प्टी है वो भी फाइनाइट सेट कहला जा सकता है, क्योंकि एम्प्टी यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये तो डेफिनेट हो गया, ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो कि वंस अगेन वी कैन कंसिडर इट एज फाइनाइट। तो हम ऐसा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का हजारों लाखों एग्जाम्पल्स है। एक ऐसे ही अगर हम फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन फोर। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, इसमें सिंपली टू थ्री आएगा, यानी कि दो एलिमेंट्स है, ये एक फाइनाइट सेट हो गया। ये भी जो सेट है ये एक एम्प्टी सेट है, इसको भी हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। लेकिन आपको अगर इनफाइनाइट सेट ऐसे लिखना हो तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म हमेशा यूजफुल नहीं होता, खास करके जब इनफाइनाइट सेट्स होते हो। तो सिंपली एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि ये पूरा नेचुरल नंबर का एक सेट आपको दिलाएगा, दैट इज वन टू थ्री फोर डॉट 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 चलता रहेगा, ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ऐसे हजारों लाखों आप इनफाइनाइट सेट्स लिख सकते हो, एक्स ऑड नंबर का एक इनफाइनाइट सेट हो गया, एक्स रियल नंबर का एक इनफाइनाइट सेट हो गया, कुछ भी तरीके का, एक एपी एक जीपी का सीरीज, कुछ भी एक इनफाइनाइट सेट हो गया। तो अब हमारा अगला जो कैटेगरी नहीं है, एक कंपैरिजन है, उस पर हम आ जाते हैं। अच्छा, अब दो अगर हमारे पास सेट है, उन दोनों सेट को हम इक्वल कब कहेंगे, जब दो सेट में जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा, तभी हम दोनों सेट्स को इक्वल कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, यानी कि
अगर दो सेट ए और बी इक्वल है तो एग्जैक्टली दोनों में सेम एलिमेंट्स है। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स से कोई भी लेना देना इसका नहीं है, आप कंफ्यूज मत कीजिए। सपोज एक सेट है ऐसा 1 2 3 और ऐसा सेट है 3 2 1, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं, ये दोनों सेट इक्वल है। और सपोज एक सेट ऐसा है आपके पास 2 4 6 और एक सेट ऐसा है x इज सच दैट x इज इवन एंड x लेस देन और इक्वल टू 6, तो ये दोनों सेट्स में कोई अंतर नहीं, यानी कि इक्वल सेट्स है, क्योंकि इसको भी अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखे तो 2 4 6 आएगा, यानी कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। अगर सेम एलिमेंट्स हो दोनों ही सेट में और जो एलिमेंट्स है आपस में वो भी अगर सेम हो तो इसको हम इक्वल सेट्स कहेंगे। और दो सेट ए और बी अगर इक्वल है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, और अगर अनइक्वल है और सारा का सारा केसेस में अनइक्वल होगा उसको हम कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। इतना ही सिंपल सा है ये सब बेसिक डेफिनेशंस, बहुत जरूरत होता है, क्यों? क्योंकि आगे जाके हमको पता चलेगा। मैं लास्ट एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो कि आपका काम में आ सकता है। जैसे कि अगर एक सेट है सपोज ऐसा 1 2 3, सपोज और एक सेट है 1 1 2 3 3 3, तो फिर से इन दोनों सेट्स में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रोस्टर फॉर्म में हम ऐसा एलिमेंट्स को रिपीट करना को रिपीट नहीं मानते हैं। हम अगर हमारे पास रिपीटेटिव एलिमेंट्स होता है हम सबको एक ही एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये सेट और ये सेट में कोई भी अंतर नहीं है, यानी कि ये इक्वल सेट्स है। आपको फिर से बता दूं, रोस्टर फॉर्म में हम हमेशा जितना भी रिपीटेटिव एलिमेंट्स है उसको एक ही एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम सेट को कैसे क्लासीफाई करते हैं। अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सबसेट्स क्या है, उसका डेफिनेशन, सुपरसेट्स, थोड़ा इंटरवल के बारे में भी जानेंगे और पावर सेट से खत्म करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अलविदा।